हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके आपको इस चैनल की आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब एक स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई से तीन पॉइंट्स हैं, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम रखता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं नाम रखता हूँ बी, और इस पॉइंट को मैं नाम रखता हूँ सी। अब ये कैसे कोलिनियर होंगे? देखिए, जब क्या होगा, जब ए बी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस बराबर हो ए सी के बराबर हो, मतलब ए बी का डिस्टेंस और प्लस को हम करेंगे बी सी का डिस्टेंस, और इन दोनों का डिस्टेंस बराबर हो ए सी के डिस्टेंस के, ठीक है? तो तब हम क्या कहेंगे कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास तीन पॉइंट्स यहाँ पे हैं, -5, 2, 3, -2 और -3। हमारे पास तीन पॉइंट्स गिवन हैं, तो इनको मैं ले लेता हूँ। पहला पॉइंट है -1, 5, सेकेंड पॉइंट है 2, 3, और थर्ड पॉइंट है -2, -11। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी। मतलब कि कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी की? कब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे? जब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए ए सी के, वो बराबर होना चाहिए इस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले हम ए बी के डिस्टेंस को। तो ए बी हमारे पास क्या है? ए बी है हमारे पास -1, 5, 2, 3। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, आपको पता है ना क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब क्या करना है आपको? ए बी इज इक्वल टू, डालिए वैल्यूज। एक्स टू क्या है आपका? 2 - x1 क्या है आपका? 1, इसका होल स्क्वायर। प्लस वाई टू क्या है? वाई टू है 3 - y1 क्या है? 5, इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होता है? -2 होता है, क्योंकि बड़ा इंटीजर कौन है यहाँ पे? 5 है, तो इसके साथ नेगेटिव जब है तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। चलिए अब क्या करना है आपको? ए बी इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, और -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? देखिए, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो हमेशा उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ए बी आपका क्या आया? 5 आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने निकालना है बी सी, ठीक है? अब हमें बेस बी सी निकालना है। बी सी क्या है? फिर से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है? x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ कि x1 y1, x2 y2। x2 क्या है आपके पास? -2 -2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है ये y2 - y1, y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू √, अब इनको प्लस करेंगे क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 + 2 = 4, लेकिन नेगेटिव साइन साथ रहेगी क्योंकि दोनों इंटीजर्स के साथ नेगेटिव है। प्लस यहाँ पे भी दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा, लेकिन दोनों प्लस होंगे। 11 + 3 = 14, 14 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 4 = 4 =
16, देखिए फिर से यहाँ पे पॉजिटिव इवन इवन पावर है, तो 4 4 16 तो 16 आएगा, नेगेटिव साथ में नहीं रहेगा। तो 14 × 14 कितना होता है, आप एक कीजिएगा तो ये आता है 196 इसका रूट। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, 190 इसको प्लस करेंगे 16, कितना होता है 212 होता है। चलिए हमने दो कंडीशन तो कर ली, हमने दो चीजें तो कर ली, हमने ए बी का डिस्टेंस भी निकाला और बी सी का डिस्टेंस भी निकाला, और हमें ए सी का निकालना है। अब हम ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए ए सी क्या है आपका, ए सी है 1 5 -2 -11। तो देखिए इसमें ये आ गया आपका एक्स वन, ये हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू मतलब कि -11 -5 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 1 3, लेकिन दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे दोनों के साथ नेगेटिव साथ है तो नेगेटिव साथ रहेगा, 11 + 5 = 16, 16 का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट ए सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। तो फिर से इवन पावर तो यहाँ पे पॉजिटिव 9 आएगा, फिर से इवन पावर तो 16 × 16 कितना होता है, 256 आएगा पॉजिटिव में। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू 256 को प्लस करेंगे 9 तो कितना होता है, इट इज 265 रूट। अगर आप रूट 5 को प्लस करेंगे 212 के साथ तो ये ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, ये 265 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर मतलब कि अगर आप ए बी को प्लस करेंगे बी सी के साथ तो इन दोनों को प्लस करके ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी वो बराबर नहीं आ रहा है ए सी के, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो आपने क्या लिखना है कि ए सी जो है वो बराबर नहीं है बी सी प्लस ए बी के, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए।